नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और इस समय करेंट इवेंट में बात करेंगे सबसे पहले कि सीजेआई के ऊपर जो महाभियोग लगाई जा रही थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आज आपको समझाएंगे क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों महाभियोग लाया गया था, इसके पीछे का सच क्या है और उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग की तैयारी कर ली गई थी। महाभियोग लगाने के लिए आपको पता है कि लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य का वहां सिग्नेचर होना चाहिए और अथवा राज्यसभा के 50 सदस्यों का सिग्नेचर जरूरी होता है। लेकिन दोनों चीज की स्थिति को समझा देते हैं। राज्यसभा के कुल 74 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था, 65 अभी उसमें से वर्तमान में है, यानी कि 50 की संख्या को ये पार किया गया है। लेकिन जब पूरी प्रोसेस शुरू होगी इम्पीचमेंट या महाभियोग की तो लगभग इसमें होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा। 2 अक्टूबर 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी ने क्यों लाया इसे। हम आपको इसके पहले भी हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि सीजेआई के पास में कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जो पर्दे के पीछे कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। यानी कि बताया जा रहा है प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट का मामला, जस्टिस लोया का मामला और दूसरे की अपनी पसंद के बेंच में मनमाना तरीके से फैसले का आवंटन करना। लेकिन सच इसके विपरीत है, आज हम उस पर विश्लेषण करेंगे। सच यह है कि सीजेआई की अदालत में 2 महत्वपूर्ण मसले पर सुनवाई चल रही है। एक है अयोध्या का राम मंदिर का मामला और दूसरा है बहुविवाह और निकाह हलाला। ये दोनों मामले पर सुनवाई चल रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सितंबर महीने तक इसकी जजमेंट आ जाएगी और जजमेंट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ जरूर मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि महाभियोग के पर्पज से इस मामले का लेना देना क्या है। अगर किसी चीफ जस्टिस के विरुद्ध या किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग एक्सेप्ट हो जाता है तो इस केस में अब वो चीफ जस्टिस या न्यायाधीश उस सारे मामले को की सुनवाई छोड़ देते हैं जो उनकी अदालत में चल रहा है। यही कारण है कि सारी विपक्षी पार्टियों ने प्लानिंग करके दिखाने के लिए तो कुछ ऐसे चीजों को बताया गया जिसमें जनता को लगे कि वास्तव में संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसे इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया कि जिसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे ध्यान खींचा जाए। हम आपको अभी सबूत देते हैं कि कैसे यह सब कुछ हुआ होगा। 2-3 महीने पहले जब सुनवाई चल रही थी तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ वकील हैं और सांसद भी हैं कपिल सिब्बल जी ने ये तर्क दिया था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है उसे 2019 तक टाल दिया जाए क्योंकि 19 में चुनाव होना है और इससे किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा होगा। चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे उन्हें उठाना ही होगा। इसके बावजूद इस मसले को महाभियोग के रूप में लाया गया। कांग्रेस को भी पता है, दूसरी पार्टियों को भी पता है कि महाभियोग लाने के लिए एक खास विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जिसमें लोकसभा का 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा का भी 2/3 मेजोरिटी से बिल का पास होना जरूरी होता है। अगर अधिसूचना दे दी जाती है और इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऐसे में निश्चित रूप से चीफ जस्टिस अब किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं कर पाते। लेकिन क्या ऐसा होने से आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियों को एक विकल्प मिल गया है कि वो कहीं ना कहीं से एक ऐसा अभियान चला दें महाभियोग के द्वारा कि उस पर प्रेशर पड़ जाए पूर्ण रूप से न्यायपालिका के ऊपर। हम आपको ये भी बता दें कि अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी अब खुद ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये पिटीशन डालेगी और एक नई बेंच से सुनवाई की मांग करेगी इस पूरे मामले पर कि उसे क्यों लाने नहीं दिया गया है, एक अलग बेंच होगा। हम आपको बता दें कि ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी कि चीफ जस्टिस के ऊपर में अगर आप महाभियोग लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं, आपको पता है कि दोनों सदन में बहुमत नहीं है, इसके बाद भी अगर आप प्रेशर डालते हैं तो आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टी को और हर राज्य में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के विरुद्ध एक विकल्प मिल जाएगा, एक वेपन मिल जाएगा और जिससे न्यायपालिका की कामकाज प्रभावित होगी।
भारत का संविधान बनाते समय न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका यानी कि संसद और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जुडिशरी जो न्यायपालिका है, तीनों के काम का बंटवारा किया गया था और अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि दूसरे के काम में दखल नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी के लिए एक पेरिफेरी होगी, एक सर्कल होगी और वो समाज के लिए काम करेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में बनाती है तो वहां पर वो कानून को निरस्त करने की पूरी चुनौती और पूरी जो उसकी ताकत होगी वो संसद के अलावा पार्लियामेंट को छोड़कर के ये ताकत जुडिशरी के पास होगी। जुडिशरी बोल सकती है कि कोई भी कानून देश के लिए इरिलेवेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर न्यायपालिका न्यायालय की सक्रियता के द्वारा काम कर रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म पे काम कर रही है तो न्यायपालिका यहाँ पर ज्यादा काम कर रही है तो पार्लियामेंट कानून बना करके उसे रोक सकती है। भारत में एक बैलेंस ऑफ पावर है और ये हमेशा रहना चाहिए, इससे हमारा डेमोक्रेसी भी जीवित रहेगा। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, विश्लेषण अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।